गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाजी बनाने के लिए सब्जियों में मैंने ली है थोड़ी सी कटी हुई बीन्स, फ्रेंच बीन्स, गाजर, मटर और आलू। अब एक कुकर लेंगे। कुकर में मैंने डाला है 1.5 गिलास पानी और अब सारी सब्जियों को इसमें बॉईल करने के लिए डाल देंगे और 10 से 12 मिनट में सारी सब्जियां बॉईल हो जाएंगी। 1 गिलास पानी मैंने पहले डाला था और 1/2 गिलास मैं अब डाल रही हूँ। कुल मिला के टोटल हमें 1.5 गिलास पानी ही यूज़ करना है। प्योरे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 प्याज और 2 टमाटर। एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और 2 चम्मच बटर। बटर के पिघल जाने के बाद मैंने उसमें डाला है प्याज और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब प्याज का हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच पाव भाजी मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक और फिर हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए प्यूरे हमारा रेडी हो गया है। सब्जियाँ बॉईल होके ठंडी हो चुकी हैं। अब इनको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और जो हमने प्यूरे बनाया था उसमें सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल के फिर से इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 4 से 5 मिनट लगभग। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। बटर ऐड करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मैश करेंगे। गाइस यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और मैशिंग में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं और मैश आप किसी भी टाइप की स्पून से कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, आप उससे मैश करें, उससे जल्दी होगा और मैश भी अच्छे से होगा। मैश करने के बाद भाजी में मुझे नमक और मिर्च दोनों ही कम लगा तो मैं थोड़ा नमक और मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। भाजी की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक है तो मैं इसमें लगभग 1/2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद फिर से भाजी को पकाना पड़ेगा लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब कंसिस्टेंसी एकदम ओके है। अगर आपको थोड़ा और इसको पतला करना है तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। भाजी रेडी होने के बाद हम लेंगे 1 तवा और उस पर डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब जो भाजी हमने बनाई है उसमें से 1 चम्मच हम भाजी तवे पर डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब पाव को तवे पे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे दोनों साइड से।
भाजी के टेस्ट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैं भाजी में ऐड कर रही हूँ 1 स्पून बटर। तो अब हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी एकदम तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।